वेलकम टू बीटीएस न्यूज़, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज़। आइए देखिए विस्तार से। लोग यहाँ बारकस ग्राउंड पे आज इसलिए एक जगह जमा हुए कि ये सीएए के कानून के खिलाफ जो काला कानून आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जो लाया गया है उसके खिलाफ हम जमा हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ मोदी साहब से कि भाई आपको एनआरसी से अगर मुसलमानों का लिस्ट में से नाम निकालना है तो पहले आप एनआरसी में से आप कुतुब मीनार निकालिए, लाल किला निकालिए, जामा मस्जिद निकालिए, चार मीनार निकालिए, हैदराबाद की मक्का मस्जिद निकालिए, फिर उसके बाद जो है ना जितने भी ताल्लुकात हैं जो मुस्लिम बादशाहों ने बनाए थे वो सबको एनआरसी से निकालिए। और जो आप जो है ना 26 जनवरी की बड़ी शान से जो है ना लाल किले पे तिरंगा लहराते हैं आप वहाँ से भी हट जाइए तो फिर जब हमको समझ में आएगा। अब ये सब हटा दिए के बाद आपके पास बचेगा क्या? आरएसएस की चड्डी और आपका शौचालय, फिर आप वो दोनों जाके जो है ना अपना स्वच्छ भारत पूरी कर दीजिए। जब उनकी गीली हो जाएंगी चड्डी ना, जब स्वच्छ भारत कर लिए, जब पूरा एक जगह हो जाएंगे तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी इसके खिलाफ है जब सब एक जगह हो जाएंगे तो बचेंगे कौन? आरएसएस, मोदी, शौचालय और उनका स्वच्छ भारत, दोनों साथ में मिलके स्वच्छ भारत कंप्लीट कर लेके यहाँ से चले जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये एनआरसी और सीएए जो लाया जा रहा है ये सरासर बिल्कुल बहुत गलत है। ये हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को तकलीफ़ देने वाला कानून है ये। लिहाजा हमारा आवाम का एक जिम्मेदारों से जो है ये सवाल है कि आप जो है दूसरे देशों से क्यों यहाँ आवाम को, दूसरे देश के लोग को यहाँ लाना चाहते हैं जबकि यहाँ ख़ुद हमारे पास बेरोज़गारी है और गुर्बत है और तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा यहाँ की आवाम हैज़ो ही बहुत तकलीफ़ उठा रही है, लिहाजा आप दूसरे देश से और आवाम को ला करके यहाँ क्यों हम लोग को तकलीफ़ देना चाहते हैं? लिहाजा हम आज के एहतजाज के ज़रिए ये बतलाना चाहते हैं हुकूमत को कि हमारे मुल्क से जो है ये एनआरसी और सीएए को बिल्कुल ख़त्म किया जाए मुकम्मल। जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इस कानून को आप वापस नहीं लेंगे, अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला अवामुन्नास, इस मुल्क की अवामुन्नास आपको सबक सिखलाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको उस मुकाम से भी हटाएगी जहां पर आप बैठ करके काला कानून ला रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर ज़रूर सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक नारा हम बार बार बुलंद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदुस्तान के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो मीडिया हमारी हेल्प कर रही है जज़ाकअल्लाह खैर, और ये बात जितना हुआ आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई और हिंदुस्तान के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आरएसएस जो मिलिट्री के अंदर पुलिस के जो काम कर रही है वो गलत कर रही है। ये किसी की बाप की पुलिस नहीं है जो आगे बढ़ रही और जो गोलियां मार दे रही, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ के ऊपर सख्त कानून करना चाहिए, ये मेरे को बोलना था। ये बोल दिया, ये बात की जितना हुआ आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ये जो है आरएसएस जो इसके अंदर घुस के फायरिंग कर दे रही, ये पुलिस जो है ना किसी की बाप की नहीं है, ये मिलिट्री जो है ना किसी के बाप की नहीं है। जो आप आगे बढ़ेंगे और जो है ना फायर कर देंगे और पुलिस जो है ना खाली हाथ बन के तमाशा देख रही, ये चीज़ गलत है। इसके लिए आप तरह मैसेज आगे बढ़ा दें इंशाल्लाह।